हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी 2022 ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, यानी संपूर्ण पेपर का हल जो है बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए 8 अक्टूबर 2022 के लिए पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप सभी की बीएसटीसी परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे? 200 प्रश्न आएंगे और 600 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। और आप हमारी वेबसाइट www.iisstudymonitor.com के साथ भी प्रैक्टिस करते रहिए। इस क्लास के बाद जितनी भी क्लासें होती है उनके दौरान आपको हमारी वेबसाइट से क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन्हें पूरा कंटेंट डाल दिया गया है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, राजस्थान जीके हो, इंग्लिश और हिंदी का पूरा जो निचोड़ है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसलिए क्लास अटेंड करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए हमारे इस क्लास को, लाइक कर दीजिए और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, क्लास को आपको सभी अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट के साथ इस क्लास को शेयर भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीएसटीसी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है, 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसका जो है सही जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। बस आपको इस क्लास के बाद फाइनल रिविजन मानना है, क्योंकि ये प्रश्न रट लीजिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सभी क्वेश्चंस यानी संपूर्ण पेपर जो है इस क्लास में आपको हल करवाऊंगा। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष, समकालीन एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत जो है क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं, समकालीन शासक, समकालीन अवशेष या बहुत सारे। समकालीन का अर्थ होता है समान समय में, ठीक है, समान समय में, ठीक है, ये इसका जो है हिंदी अर्थ कह सकते हैं। तो समकालीन अवशेष यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हमेशा पीछे की ओर जो है चलता है। तो के जो प्रमाण है वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनूपगढ़ और नवलखा जो डेरा है वहाँ से जो है समकालीन अवशेष प्राप्त हुए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो टाटा नगर है वो किसे कहा जाता है? तो टॉप जिलों को क्या कहा जाता है? टाटा नगर कहा जाता है, ट से टॉप हो जाएगा, आसानी रहेगी याद करने में भी। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी के सामने स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं, सभी जितने भी जो है जुड़े हुए इस क्लास के साथ आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जल्दी से यहां पर आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। एक लाइक आपका जो एक लाइक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यहाँ पर सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, समकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका जो है सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा नगर नेंदवा से प्राप्त हुई है। नगर नेंदवा जो है टोंक जिले में है, इतना आपको इस क्वेश्चन का जो है, ये जो है हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट है, यानी राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक का होगा, अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले आपको राजस्थान जीके के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पेपर में, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं में सही जो युग्म है वो कौन सा है? ताम्र जो युगीन जो सभ्यताएं थी उनमें जो सही युग्म सीरीज कह सकते हैं तो वो कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर झाड़ोल भिलवाड़ा, पांडुलिया चित्तौड़गढ़, एलान जालौर, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी तीनों ही क्या है एकदम युग्म में है, सही युग्म में है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? जो अजरक नाम की एक प्रिंट होती है जो काफी जो है एक जिला है, वो जिला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, चार ऑप्शंस हैं। तो किस जिले की प्रसिद्ध है अजरक
प्रिंट है। तो बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध कौन सी है अजरक प्रिंट, ये जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आने का जो है सांच है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं, कौन से जिले में सबसे ज्यादा बकरियां मिलती है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा क्या है, बकरियां मिलती है, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर जो है बाड़मेर धोरे बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं किराड़ू मंदिर स्थित है, तो किराड़ू का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर जिले से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी अटेंड करवा रहा हूँ। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए रामबाण पेपर के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो ये जो है करौली में जो है यहाँ पर आयोजित होता है, हमेशा जो है प्रसिद्ध जो केला देवी जो मेला है वो कहाँ पर होता है, करौली जिले में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के लिए वेबसाइट के माध्यम से, जो आपकी वेबसाइट है www.rjstudymonitor.com, इस वेबसाइट के माध्यम से तैयारी कैसे करें। तो आपको सिंपल से अपना जो ब्राउजर ओपन कर लेना है गूगल का, और वहां पर आपको टाइप करना है www.rjstudymonitor.com और इस वेबसाइट को क्लिक करना है। ठीक है, तो सिंपल से जैसे आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अलग से बीएसटीसी 2022 का आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी 2022 का अलग सेक्शन है, आपको ड्रैग करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पर जो शो मोर का जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्या करना है, सिंपल से क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कट कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2022 बीएसटीसी की मेंटल एबिलिटी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिए गए हैं। राजस्थान बीएसटीसी को लेकर कुछ अपडेट आती है तो वो भी यहां पर दे दी गई है, और यहां पर आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, इंग्लिश और एंटी हिंदी के क्वेश्चंस का पूरा निचोड़ यहां पर बताया गया है, और राजस्थान बीएसटीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, ये क्वेश्चंस पेपर है जो कि सैंपल पेपर है। ठीक है, एक सैंपल पेपर दे दिया गया है कि किस प्रकार का पेपर आएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के और अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, यानी इस प्रकार, और आप इस रोड मोड पर क्लिक करके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आपको हमारी रेगुलर क्लास अटेंड करनी ही करनी है। आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से रोजाना क्लास अटेंड करने के बाद आपको यहां से प्रैक्टिस भी करनी है, और यहां पर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं रोजाना अपडेट हो रहे हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में रोजाना क्वेश्चंस जो है लिखे जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा, तो आपको रोजाना इस पोस्ट को ओपन करना है, और जितने नए जो क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं उनको भी पढ़ना है, और रोजाना इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और मेंटल एबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस है जो अति महत्वपूर्ण है तो उनको भी आपको समझना है। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी एग्जाम की तैयारी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बस आपको कमेंट करना है, या फिर हमारी जो इंस्टा जो यूजर है, यूजर आईडी है कल्याण YT, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कल्याण, ठीक है, यहाँ पर कल्याण YT मास्टर करके हमारा इंस्टाग्राम यूजर आईडी, यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हैं, और यहाँ पर अपने कोई भी जो क्वेरीज है वो आप हमें जो है मैसेज में कर सकते हैं। महाशिवरात्रि जो है पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कौन से जिले में जो प्रसिद्ध महाशिवरात्रि जो पशु जो मेला होता है वो भी कहाँ पर, करौली जिले में ही जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजय वर्गीय का संबंध कौन से जिले से है, जो कि विश्व ख्याति है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, करौली हो जाएगा, यानी करौली से संबंध है उनके जिले का। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करौली जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, बाड़मेर और करौली से जुड़े काफी प्रश्न आए, यानी अब की बार चांसेज है कि ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, यदि हर आपको जो भी क्लास होती है वो महत्वपूर्ण होती है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो अर्जुन सिंह के द्वारा ही जो है करौली जो रियासत है उसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य में न्यूनतम लघु इकाया है, ठीक है, न्यूनतम लघु जो इकाया है वो कौन से जिले में है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, और यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और आपको हमारी वेबसाइट जरूर जो है यहाँ पर विजिट करनी है।
अभी जो है इसकी क्लास एंड हो चुकी है और आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और आपको जो आगे बताया गया था हमारी वेबसाइट, उस वेबसाइट पर आपको क्लिक करके रिसर्च करना है और यहाँ पर हमारे BSTC 2022 का सेक्शन देखने को मिलेगा और उस सेक्शन में आपको सभी, ठीक है, आपको सभी प्रकार के पूरा का पूरा जो सिलेबस है सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी, राजस्थान जीके, इंग्लिश और हिंदी का पूरा निचोड़ और इससे बेस्ट तैयारी हो सकती है। बाकी जो भी हमारी क्लासे आ रही है उसको आपको रेगुलर अटेंड करना है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।